यू आर ऑल्सो फेल्ड इन सी ए फाउंडेशन जून 23 एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ. आपको पता नहीं था कि लॉ को कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एंड आज आपका ये रिजल्ट है. आई नो आपको बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए होगा एंड यू वॉन्ट टू नो हाउ यू कैन प्रिपेयर लॉ सो डैट यू कैन क्लियर इन अपकमिंग अटेम्प्ट्स. एंड जो आपने मिस्टेक किया वो मिस्टेक आप फिर से ना कर पाओ. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल हाउ यू कैन प्रिपेयर लॉ फॉर डिसम्बर 23 इन बेस्ट वे एंड हाउ यू कैन मेक द लॉ सब्जेक्ट योर स्ट्रेंथ. एज ये बहुत ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये वीक सब्जेक्ट होता है. अगर आप शॉर्ट एनालिसिस करते हो तो मेनली स्टूडेंट्स का जो वीक पोर्शन होता है वो लॉ सब्जेक्ट को ही जाता है. एंड सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल हाउ यू कैन मेड योर लॉ सब्जेक्ट मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. ओके सो लेट्स स्टार्ट. आपको पता होगा कि आपका एग्जाम 1 week से पोस्टपोन्ड हो गया है. नाउ यू हैव मोर 1 week. सो नाउ गिव योर 100% एंड टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट. एंड आई नो यू कैन क्लियर सी ए फाउंडेशन इन डिसम्बर 23. सो लेट्स स्टार्ट. ना लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैसा भी स्ट्रैटेजी बनाओ वो कम पड़ जाता है. अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पता कि हाउ यू कैन प्रिपेयर लॉ. ओके लॉ को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है. ये अकाउंट्स नहीं है कि जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो सम्स एंड वो ही सम्स एग्ज़ाम में आ जाएगा एंड आप क्लियर कर लोगे. इट्स अ लॉ एंड लॉ में आपको बहुत सारे केस स्टडीज़ का पता होना चाहिए. केस स्टडी कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में. अगर आपको ये सब का नॉलेज है, ये सब के बारे में पता है आपको, देन आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. ओके नाउ लॉ को प्रिपेयर करने का जो मेरा बेस्ट मेथड रहता है वो ये 5 points. अगर आप 5 points को अच्छे से फॉलो करते हो देन ट्रस्ट मी यू कैन क्लियर. मतलब आप लॉ में तो फेल नहीं होंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट्स को आपको पर ध्यान देना पड़ेगा. बट अगर आप ये 5 points लॉ पे फॉलो करते हो तो लॉ आप इजिली कर सकते हो. ओके नाउ अगर आपका लॉ वीक हो रहा है तो यू मस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ BCR फ्रॉम टूडे, क्योंकि BCR 40 marks का आता है एंड आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. BCR का थोड़ा भी आपका इंग्लिश अच्छा है, यू कैन ईजिली स्कोर 25 to 30 marks इन BCR. एंड अगर आप फिर यहाँ से लॉ में भी अगर आप 25-30 marks स्कोर कर लेते हो तो आप ईजिली 60 marks तो लॉ में ला ही सकते हो. ओके तो आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी, अगर लॉ आपसे नहीं हो रहा है बहुत बार ट्राई कर लियो तो आप BCR पे थोड़ा फोकस कर सकते हो. ओके सो ना हम लोग इस वीडियो में लॉ के बारे में बात करेंगे, BCR के बारे में कोई और वीडियो में बात करेंगे. तो लॉ में देखते हैं वो कौन से 5 points जिसको फॉलो करके आप जो वीक सब्जेक्ट आपका लॉ है अगर तो आप कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. ओके नाउ नंबर वन पॉइंट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. ट्रस्ट मी अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है देन यू आर नॉट एबल टू लर्न. यू आर नॉट एबल टू लाइक आप बस मेमोराइज कर लोगे, रट्टा मार लोगे एंड जब एग्जाम टाइम पे अगर 1-2 points भी भूल जाते हो देन आप पूरा वैनिश हो जाएगा. इसलिए आपको कोई भी सेक्शन लर्न कर रहे हो किसी भी चैप्टर का, पहले आप उस सेक्शन के बारे में जानो कि वो सेक्शन क्या बोलता है, क्या वो कंटेन करता है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है देन एग्जाम हॉल में आप कुछ भूल भी जाओगे इंग्लिश में तो आप हिंदी में समझ के हाँ ये इस सेक्शन का मतलब ये था, देन आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हो. ओके तो फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. आप बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लर्न करने जाओगे आपको आपसे लर्न भी नहीं होगा. एक्चुअली आपको पता रहेगा कि हाँ ये सेक्शन ये बोलता है तो आपको लर्न करने में ईजी रहेगा अगर आपका इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो. ओके ना सेकेंड पॉइंट इज लर्निंग. ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है देन आपको लर्न करना पड़ेगा. आप सोचोगे सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, लॉ आप एग्जाम हॉल में जाकर अपने लैंग्वेज में लिख लोगे देन फिर से आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा. एग्जामिनर को आपके पॉइंट्स आपके वर्ड नहीं चाहिए, उसको लॉ वर्ड चाहिए. जो उनके पास एक आंसर स्क्रिप्ट रहता है वो बस मैच करते हैं एंड अगर वो लॉ वर्ड्स उनको मिलता है तो यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज फिर से आपको मार्क्स कट जाएगा आपका. ओके इसलिए आपको अगर लर्न हो गया सॉरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया देन स्टार्ट लर्निंग. आपको लर्न करना पड़ेगा. बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि लर्न नहीं कर लॉ को लर्न नहीं करना पड़ता है, लॉ में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू राइट लॉ वर्ड्स, यू हैव टू राइट की वर्ड्स, यू हैव टू राइट सेक्शंस एक्चुअली. तो उसके लिए आपको लॉ लर्न करना पड़ेगा. ओके
तो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे अगर आपको लॉ में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। नाउ थर्ड पॉइंट इज राइटिंग। आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया, लर्न हो गया। आप जो लर्न कर रहे हो सिर्फ ऐसे आंख बंद करके लर्न करने से नहीं होगा, जो भी लर्न कर रहे हो एक वर्ड भी लर्न करो तो यू हैव टू लर्न विथ राइटिंग प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। जो भी लर्न करोगे उसको लिखो, लिख के तब लर्न करो। तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिटन प्रैक्टिस। एंड एज यू नो लॉ आपको जाके लिखना है, केस स्टडीज आपको लिखना है, वहाँ पे कोई ओरल एग्जाम होगा नहीं कि आप सिर्फ लर्न कर लोगे एंड जाके ओरली उसको सुना दोगे। नो, यू हैव टू राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे रिटन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जैसे ही जो भी सेक्शन आप लर्न करते हो उसको रिटन प्रैक्टिस करो, जितना बार लिखोगे उतने बार ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज टेस्ट। जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया है, आपको लर्न हो गया है, आप रिटन प्रैक्टिस कर लिए, आप उसका टेस्ट दे दो। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है आप उसका टेस्ट दो एंड देन देखो कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। वो जो वर्ड्स है, की वर्ड्स है, लॉ वर्ड्स है, वो आप लिख पा रहे हो कि नहीं। यू आर एबल टू राइट दैट की वर्ड्स और दैट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर पा रहे हो कि नहीं। आज से आप टेस्ट दो, उसको देखो एंड जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको जो मिस्टेक निकल रहा है उस पर आज से ही आप काम करना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ द बेस्ट मेथड आई मस्ट से कि आप इस तरीके से अगर पढ़ते हो लॉ तो आप इजीली अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया, लर्न हो गया, रिटन प्रैक्टिस हो गया, टेस्ट हो गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। ऐसा मत करें कि आज आप दो दिन लॉ पढ़ रहे हो फिर बीच में गैप कर दोगे एंड देन फिर कोई अदर सब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस है जहाँ पे आप लर्न कर रहे हो, डेली रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप बीच में गैप दे देते हो तो आप फिर से सब कुछ भूल जाओगे। ट्रस्ट मी, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ था कि मैं जैसे ही लॉ एक दो चैप्टर करके फिर बीच में गैप करके फिर अदर सब्जेक्ट पढ़ रही थी, तो जो चैप्टर्स मैं कंप्लीट हो रखा था मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा था। तो डोंट डू दिस मिस्टेक, डू लॉ रेगुलरली कंसिस्टेंसली, जस्ट फॉर 10 मिनट्स ही क्यों ना हो। आपको लॉ डेली पढ़ना है क्योंकि आपका लॉ वीक है। ओके, आपको उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको इस पर अच्छे से कमांड लाने के लिए यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी लॉ रेगुलरली। सब सिर्फ उसको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ही क्यों ना पढ़ो, उसको आपको डेली रिवाइज करना है। एंड आप जो आज पढ़ रहे हो उसको जब आप नया चैप्टर या फिर नया सेक्शन स्टार्ट करोगे, एटलीस्ट एक बार उसको लिख लेना, उसके ऊपर नोट्स बना लेना कि आपको ऐसे कीवर्ड्स जो आपको एग्ज़ाम में जाके लिखने हैं। ओके, जो मेरा बेस्ट, मैं कैसे पढ़ती थी कि दिस इज़ लाइक सेक्शन 8। ओके, तो सेक्शन 8 अगर एग्ज़ाम हॉल में आता है तो मुझे ऐसे कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि जो मैं एग्ज़ाम हॉल में फटाफट लिख पाऊँ। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में यू हैव एग्ज़ाम प्रेशर, एक लॉ का एग्ज़ाम, उसका प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर रहता है। एग्ज़ाम हॉल में माइंड वैनिश होता है, तो इसलिए मुझे, मैं इस तरीके से प्रिपेयर करती थी कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में मुझे सेक्शन 8 दिख रहा है तो मुझे ऐसे कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं जिससे मैं पूरा आंसर लिख पाऊँ। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं, वो जो मेन पॉइंट्स होता है जिसको मुझे अंडरलाइन करना है, उसका प्रिपरेशन मैं आज से ही आज से ही आपको कर लेना है। वो जो कीवर्ड्स है ये आपको जरूर से जरूर मेंशन करना है जो भी आप सेक्शन लर्न कर रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो एग्ज़ाम हॉल का प्रिपरेशन आपको आज से ही स्टार्ट कर लेना है। कि जो जो सेक्शन पढ़ रहे हो तो उसका जो कीवर्ड्स है उसको आज से आपको हाईलाइट करना स्टार्ट कर देना। आप जितनी बार उसको रिटन प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी बार उस पॉइंट्स को, उस कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल तक, ताकि एग्ज़ाम डे तक आपका इस तरीके से कमांड बन जाए उस सेक्शन पे, उस टॉपिक पे, कि अगर आप वो लिखो तो आप ऑटोमेटिक आप उसको अंडरलाइन कर लो। एंड ट्रस्ट मी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉ में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, मेन जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते हो, तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आप ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करके देखो जस्ट फॉर 1 वीक एंड डू कमेंट कि आपको क्या सच में इससे जो 5 पॉइंट्स जो आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट मैं अगर शॉर्ट समरी कर दूँ तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देन लर्निंग, देन रिटन प्रैक्टिस, देन टेस्ट एंड देन कंसिस्टेंसी। ये 5 पॉइंट्स मेंटेन करो फॉर जस्ट फॉर लॉ। मैं अदर सब्जेक्ट का भी बनाऊंगी फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होगा। अगर आप मैथ्स में फेल हो गए तो आपको क्या करना है, लॉ में
आपका हो चुका है ना अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, फॉर दोज वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। येस, यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिसंबर 23 एंड यू आर गोइंग टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। यू आर नॉट गोइंग टू फेल अगेन इन लॉ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस है इन प्रैक्टिस। एक्चुअली आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप लिख रहे हो ना, तो एक सेक्शन को लर्न करने में यू हैव टू गिव 25-30 मिनट्स एंड एक टाइम पे ऐसा लगेगा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। लाइक दो तीन सेंटेंस ही लर्न होगा आपको एंड उसमें भी आपका आधा घंटा 40 मिनट्स चल जाएगा। ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में ऐसा होगा ही होगा, बट डोंट वरी, स्टार्टिंग में ही ऐसा होगा। अगर आप 30 मिनट्स लगा के अगर एक सेक्शन लर्न कर रहे हो, आज आपको 30 मिनट्स लग रहा है, कल आपको उसका आधा टाइम लगेगा, 15 मिनट्स लगेगा, देन नेक्स्ट उसका भी आधा टाइम लगेगा, फिर उस टॉपिक पे, उस सेक्शन पे इतना कमांड बन जाएगा कि विद इन 5-6 मिनट आप तुरंत लिख दोगे। तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ में टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आपको एक सेक्शन लर्न करने में। आप देखोगे तो आधा आधा घंटा चल जाएगा एंड लर्न नहीं होता, क्योंकि आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक लाइन दो लाइन लर्न कर रहे हो, उसको लिख रहे हो। इस तरीके से करना है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, देन जैसे आप उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करते हो ना, आधा आधा टाइम होने लगेगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। डोंट वरी फॉर अपकमिंग वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, डू कॉमेंट। अदरवाइज सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।